Hello students, I welcome you all in Zero Doubt English classes. Today we will study English class 10 chapter Bholi. This chapter has been taken from Footprints Without Feet और यही सेम चैप्टर है वो RBSE की गोल्डन रेस बुक के अंदर है. तो RBSE 10th के बच्चे भी इसको स्टडी कर सकते हैं और CBSE 10th के बच्चे भी इसको स्टडी कर सकते हैं. अब ये जो चैप्टर लिखा है वो KA अब्बास ने लिखा है. ये एक ऐसी स्टोरी है जिसके अंदर एक लड़की है जो काफ़ी सिंपलटन है और उसके बारे में बताया गया है कि वो ये जो स्टोरी है उस लड़की की कहानी है कि कैसे वो अपने माँ बाप उसको कैसे ट्रीट करते हैं, फिर कैसे उसकी शादी करना चाहते हैं और वो लड़की है वो बिल्कुल भी बोल नहीं पाती है और बाद में वो बोलना सीखती है स्कूल में जाके. तो इस टाइप की स्टोरी है जो अपने लाइन वाइज लाइन स्टडी करेंगे. बट बिफोर आई गो इनटू द डिटेल ऑफ दिस चैप्टर, मेरी यह रिक्वेस्ट है प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में जितना ज़्यादा शेयर हो सकता है उतना ज़्यादा कीजिए, क्योंकि आपका जो सब्सक्रिप्शन है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो प्लीज़ डू दैट. लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड भोली वॉज निग्लेक्टेड एट होम. कहते हैं कि बचपन से ही भोली को उसके घर वालों ने निग्लेक्ट किया था. निग्लेक्ट का मतलब होता है नज़रअंदाज कर देना, जिस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है. वाई डिड हर टीचर टेक स्पेशल इंटरेस्ट इन हर. और उसकी एक टीचर थी, जब उसको स्कूल भेजा गया तो उसको उसके अंदर कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट आया और उसने ऐसा इंटरेस्ट क्यों लिया वो अपने आगे स्टडी करेंगे. Did Bholi measure up to her teacher's expectations? क्या उसके टीचर की एक्सपेक्टेशंस पे भोली है वो खरी उतरती है, क्या उसकी टीचर है वो उससे एक्सपेक्ट करती है, ये सारी की सारी स्टडी है वो अपने फर्दर चैप्टर के अंदर करेंगे. Her name was Sulekha. एक्चुअल में जो उसका नेम था वो सुलेखा था, भोली नहीं था. But since her childhood, उसके बचपन से everyone had been calling her Bholi. हर कोई उसे भोली के नाम से पुकारता था, जिसको इंग्लिश के अंदर अपनी सिंपलटन बोलते हैं. सिंपलटन का मीनिंग क्या होता है? अ फुलिश पर्सन इजीली ट्रिक्ड बाय अदर्स. कई बार बोल देते हैं ना अपने घर पे कि ये बहुत ही भोला है, ये जानता नहीं है, यानी उसको ज़्यादा जो दुनियादारी का नॉलेज जिसको नहीं होता है उसको अपने भोली या भोला बोल देते हैं. शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार. अब यहाँ पे क्या है कि नंबरदार एक डेजिग्नेशन होता है, एन ऑफिशियल हु कलेक्ट्स रेवेन्यू. गांव के अंदर ये एक डेजिग्नेशन होता है जो रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, रेवेन्यू का मतलब पैसा कलेक्ट करना होता है, इस तरीके का एक डेजिग्नेशन होता है जो दिया जाता है. और ये जो थे नंबरदार, इनका नाम था रामलाल. वो रामलाल की चौथी बेटी थी. व्हेन शी वॉज 10 मंथ्स ओल्ड, जब वो 10 महीने की थी, शी हैड फॉलन ऑफ द कार्ट. इसको काट प्रोनंसिएट करेंगे अपने, काट का मतलब होता है जो पालना होता है छोटे बच्चे का, उसको बोला जाता है. शी हैड फॉलन ऑफ द काट ऑन हर हेड एंड परहैप्स इट हैड डैमेज्ड सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन. जब वो 10 महीने की थी वो अपने पालने से सर के बल गिर गई थी, यानी जब वो गिरी तो उसके सर में चोट लग गई थी और उसकी वजह से उसका जो ब्रेन है वो डैमेज हो गया था. ब्रेन के अंदर मतलब काफ़ी उसको क्षति पहुँची थी और इस वजह से शायद क्या है कि उसका जो पार्ट था वो ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाया जो ब्रेन का है, इसलिए उसको क्या है कि लोग भोली बोलना स्टार्ट कर चुके थे या वो अपना माइंड है वो पूरे तरीके से यूज़ नहीं कर पाती थी. दैट वॉज वाई शी रिमेंड अ बैकवर्ड चाइल्ड एंड केम टू बी नोन एज भोली एंड सिंपलटन. और शायद यही रीज़न था कि भोली है वो इस वजह से अपने ब्रेन को पूरी तरीके से यूज़ नहीं कर पाती थी, क्योंकि उसको बचपन के अंदर चोट लग गई थी, इसलिए सारे के सारे लोग उसको भोली या सिंपलटन बोलने लग गए. एट बर्थ, बचपन में जब उसका जन्म होता है, द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी. ये बच्ची थी वो बहुत ही सुंदर थी और बहुत ही फेयर थी, दिखने में बिल्कुल एकदम अच्छी लगती थी. बट वेन शी वॉज 2 ईयर्स ओल्ड, जब वो 2 साल की हुई, She had an attack of smallpox. Smallpox आप जानते हो जैसे चिकन पॉक्स होता है, स्मॉल पॉक्स होता है, तो उस तरीके का इसको कोई डिजीज हुआ. Only the eyes was saved. और उस डिजीज के अंदर सिर्फ इसकी आँखें हैं वो बची थी. But the entire body was permanently disfigured by the deep
ब्लैक पॉक मार्क्स, यहाँ पे एक पिक्चर है आप देख सकते हो इसके अंदर। डिसफिगर का मतलब होता है रूप बिगड़ जाना। उसकी पूरी की पूरी बॉडी थी जो पहले बिल्कुल बचपन में सुंदर दिखाई देती थी, फेयर थी, वो पूरी की पूरी जो बॉडी है उस पर पॉक्स मार्क यानी वो चकते हैं जो उस डिजीज़ के स्मॉल पॉक्स के वो दिखाई देने लग गए और उसकी पूरी बॉडी है वो डिसफिगर हो गई। डिसफिगर का मतलब होता है बिगड़ जाना, रूप बिगड़ जाना। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5। ये छोटी सुलेखा जो कि 5 साल तक बोल नहीं पाई थी बिल्कुल भी। एंड वेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक, जब उसने आखिरकार बोलना सीखा, शी स्टैमर्ड। स्टैमर्ड का मतलब होता है हकलाना। आप देखते हो कि कई लोग होते हैं वो एट वन गो नहीं बोल पाते हैं किसी भी सेंटेंस को, वो स्टैमर करते हैं, हकलाते हैं। तो ये बच्ची भी क्या है कि हकलाती थी जब बोलती थी। द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर, दूसरे जो बच्चे थे वो इसका मजाक उड़ाया करते थे। एंड मिमिक्ड हर, और उसकी नकल किया करते थे। एज अ रिजल्ट शी टॉक्ड वेरी लेस, और इस वजह से ये जो बच्ची थी ये बहुत ही कम बातें किया करती थी क्योंकि उसको ये डर लगता था कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, रामलाल के 7 बच्चे थे। 3 सन्स, उनमें से 3 लड़के थे, एंड 4 डॉटर्स, और 4 लड़कियां थी। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वॉज भोली, और जो सबसे छोटी लड़की थी उसका नाम था भोली। इट वॉज अ प्रोस्पर फार्मर्स हाउस होल्ड एंड देर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक। ये जो रामलाल का घर था काफ़ी समृद्ध था। समृद्ध का मतलब जिसपे खाने पीने की, पैसे की कोई कमी नहीं होती है। ये उसका घर था जहाँ पे बिल्कुल भी प्लेंटी ऑफ थिंग्स, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना था, पानी था, यानी चीज़ें खाने पीने की कोई कमी नहीं थी उसके घर पे। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रोंग, भोली को छोड़कर सारे के सारे जो बच्चे थे वो हेल्दी थे और स्ट्रोंग भी थे। द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल्स एंड लेटर इन कॉलेजेस। जो इनके लड़के थे पहले उनको शहर में भेजा गया स्टडी करने के लिए, शहर के स्कूल में भेजा गया, बाद में कॉलेज में भेजा गया। ऑफ द डॉटर्स, लड़कियों में से राधा द एल्डेस्ट, जो सबसे बड़ी थी उसका नाम था राधा, हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, उसकी शादी कर दी गई थी। द सेकेंड डॉटर मंगला, जो सेकेंड डॉटर थी उसका नाम था मंगला। मैरिज हैड ऑल बीन सेटल्ड, ऑलरेडी उसकी क्या है कि मैरिज है वो सेटल हो चुकी थी। एंड व्हेन दैट वाज डन, और ये जब की गई थी, रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड चंपा। जब उसकी शादी फिक्स हो रही थी तो रामलाल अपनी तीसरी बेटी जिसका नाम चंपा था उसके बारे में सोच रहा था कि उसकी भी शादी करनी है। दे वर गुड लुकिंग, ये तीनों लड़कियाँ बहुत अच्छी दिखाई देती थी, हेल्दी गर्ल्स, बिल्कुल हेल्दी थी, यानी इनके ऐसा कोई भी डिजीज़ नहीं था जैसे स्मॉल पॉक्स हुआ था भोली को, इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम्स उन तीनों बच्चियों के साथ में नहीं थी। एंड इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइड रूम्स फॉर देम, और इसलिए जैसे कि वो हेल्दी थी या कोई भी उनको प्रॉब्लम्स नहीं थी तो उनके लिए दूल्हा ढूंढना कोई ज़्यादा डिफिकल्ट बात नहीं थी, वो आराम से ढूंढ सकते थे क्योंकि रामलाल थे वो गाँव के नंबरदार थे, वेल टू डू फैमिली से थे, उनको कोई भी इस बात की प्रॉब्लम्स नहीं थी। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली, रामलाल भोली के बारे में चिंतित थे। शी हैड नीदर गुड लुक्स, ना तो वो दिखने में अच्छी थी, नोर इंटेलिजेंस, और ना ही वो इंटेलिजेंट यानी उसके अंदर दिमाग था। भोली वॉज 7 ईयर्स ओल्ड व्हेन मंगला वॉज मैरिड, जब मंगला की शादी हुई तब भोली 7 साल की थी। द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपन इन देयर विलेज, और उसी साल जब मंगला की शादी हुई थी उसी साल लड़कियों के लिए एक स्कूल खुला था उनके गांव में। द तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, जो तहसीलदार थे वो स्कूल की ओपनिंग सेरेमनी यानी उद्घाटन करने आए थे। ही सेड टू रामलाल, उसने रामलाल से कहा, एज अ रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स, कि आप एक रेवेन्यू ऑफिशियल्स हो, उसके रिप्रेजेंटेटिव हो गवर्नमेंट की तरफ से इस गांव के,
तो आपको क्या है कि बाकी जो गांव वाले हैं उनके लिए एक उदाहरण पेश करना चाहिए। किस लिए बोल रहे हैं तहसीलदार उनको ऐसा? यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल, तुम्हें तुम्हारी लड़कियों को स्कूल में भेजना चाहिए। यानी गांव का जो नंबरदार है वो काफ़ी अच्छी डेजिग्नेशन पे है, लोग उसको फॉलो करेंगे। अगर वो अपनी लड़कियों को स्कूल में भेजेगा तो गांव के बाकी लोग भी हैं वो रामलाल को फॉलो करेंगे। तहसीलदार कुछ ऐसा उनको बोलना चाह रहे थे। दैट नाइट, उस रात, व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, और वो तहसीलदार ने जो बात बोली थी वो बात रामलाल ने अपनी वाइफ के साथ में कंसल्ट की। शी क्राइड, वो चिल्लाई, आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो गए हो? इफ गर्ल्स गो टू स्कूल्स, अब लड़कियां स्कूल जाती हैं, हु विल मैरी देम, उनसे शादी कौन करेगा? बट रामलाल हैड नोट द करेज टू डिसओबे द तहसीलदार। बट रामलाल के पास में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो तहसीलदार को डिसओबे करता। डिसओबे का मतलब उनका कहना ना मानना। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, आखिरकार उसकी पत्नी ने कहा, आई विल टेल यू वॉट टू डू, मैं तुम्हें बताऊंगी कि क्या करना है। सेंड भोली टू स्कूल, भोली को स्कूल में भेज दो। एंड इट इज देयर इज लिटल चांस ऑफ अ गेटिंग मैरिड, जैसा कि उसके शादी होने के चांसेस भी बहुत कम हैं। विद हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस, दिखने में वो बिल्कुल भद्दी है और उसमें दिमाग भी नहीं है। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, स्कूल्स में टीचर्स को चिंता करने दो भोली के बारे में। द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाय द हैंड एंड सेड, रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ा और बोला, कम विद मी, मेरे साथ आओ, आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल ले जाऊंगा। भोली वॉज फ्राइटेंड, भोली डरी हुई थी। शी डिड नॉट नो वॉट अ स्कूल वॉज लाइक, वो स्कूल के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती थी। शी रिमेंबर्ड हाउ अ फ्यू डेज अगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्न आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड, उसने देखा था कि कुछ दिन पहले उनकी जो एक बूढ़ी गाय थी जिसका नाम लक्ष्मी था उसको घर से बाहर ले जाया गया इसी तरीके से और बेच दिया गया। तो भोली भी यही सोच रही है कि शायद उसको क्या है कि उसका घर वाले हैं वो सेल आउट करना चाहते हैं, बाहर ले जाके बेचना चाहते हैं, तो इसलिए भोली है वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। नन नन नन, नो 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 नो, शी शाउटेड इन टेरर एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप। अब क्या है कि बच्ची स्टैमर करती थी तो एक बार में पूरा वर्ड नहीं बोल पा रही है, वो मना करती है और चिल्लाती है, टेरर का मतलब खौफ में, यानी उसको बहुत ज़्यादा डर है, और अपने हाथ को अपने पापा की ग्रिप, ग्रिप का मतलब पकड़ से छुड़ाना चाह रही है खींचकर। What is the matter with you, you fool? उसके पापा बोलते हैं, चिल्लाते हैं उस पर, shouted रामलाल, तुम्हारे साथ में मूर्ख क्या प्रॉब्लम है? I am only taking you to school, मैं तुम्हें सिर्फ स्कूल ले जा रहा हूँ। Then he told his wife, तब उसने अपनी वाइफ से बोला, let her wear some decent clothes today, आज उसको कुछ अच्छे कपड़े पहनने दो, or else what will the teachers and other school girls think of us when they see her? नहीं तो स्कूल के जो टीचर हैं और वहाँ के जो बच्चे हैं वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे अगर ये गंदे कपड़े पहन कर जाएगी। न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, नए कपड़े कभी भी भोली के लिए नहीं बनाए गए थे। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर, पुरानी जो ड्रेसेस थी उसके सिस्टर्स की वो उसको दे दी जाती थी। नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लोथ्स, कोई भी ध्यान नहीं देता था कि उसके जो क्लोथ्स हैं उनको मेंड किया जाए, यानी अगर फट गए हैं तो सुधारा जाए या धोया जाए। बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस विच हैड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग्स एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा। आज क्या है कि वो थोड़ी सी भाग्यशाली थी कि उसको एक बिल्कुल एकदम साफ ड्रेस पहनने को मिल रही थी जो कि श्रिंक हो जाती है, कभी कभी आपने देखा होगा सिकुड़ जाती हैं अगर बड़ी ड्रेसेस होती हैं। जो चंपा की ड्रेस थी वो बहुत बार धुलने के बाद में चंपा को क्या है फिट नहीं आ रही थी और सिकुड़ कर छोटी हो गई थी, तो अब उन्होंने ये डिसाइड किया कि ये ड्रेस है वो पास ऑन कर दी जाए, किसको? भोली को। शी वॉज इवन बाथ, उसको नहलाया गया, एंड ऑयल वॉज रब्ड इन टू हर ड्राई एंड मैटेड हेयर, मैटेड का मतलब इंटेंगल्ड, उलझे हुए जो बाल होते हैं।
उसके जो सूखे बाल थे उनमें तेल भी लगाया गया जो उलझे हुए थे। ओनली देन डिड शी बिगिन टू बिलीव दैट शी वॉज बींग टेकन टू अ प्लेस बेटर देन हर होम। जब उसके साथ में ऐसा किया जा रहा था तो बोली को बिलीव हुआ कि आज कुछ उसके साथ में अच्छा होने वाला है, आज उसको एक ऐसी जगह पे ले जाया जा रहा है जो कि उसके घर से बेहतर है। When they reached the school, जैसे ही स्कूल पहुंचे, the children were already in their classrooms. बच्चे थे वो अपनी क्लासरूम्स में थे। रामलाल handed over his daughter to the head mistress. रामलाल ने अपनी जो बेटी थी वो स्कूल के हेडमिस्ट्रेस थी यानी जो प्रधानाध्यापिका थी उसको सौंप दिया। लेफ्ट अलोन वहाँ अकेला छोड़ा। द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विद फियर लेडन आइज। उस बच्ची की आंखों में अभी भी बहुत डर था। देयर वर सेवरल रूम्स, वहाँ पे बहुत सारे रूम्स थे एंड इन ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्क्वेटेड ऑन मैट्स। मैट का मतलब जो वहाँ पे चटाइयाँ बिछी हुई थी, वहाँ पे पलाथी मार के उस जैसी बहुत सारी लड़कियाँ वहाँ पे बैठी हुई थी। रीडिंग फ्रॉम बुक्स एंड राइटिंग ऑन स्लेट्स, वो क्या है कि बुक से कुछ पढ़ रही थी और स्लेट्स पे कुछ लिख रही थी। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड बोली टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम्स। जो हेड मिस्ट्रेस थी उसने भोली को किसी भी एक कोने में, किसी भी क्लासरूम के एक कोने में बैठ जाने के लिए बोला। भोली डिड नॉट नो वॉट एग्जैक्टली अ स्कूल वॉज लाइक एंड वॉट हैपन देयर। भोली को कुछ भी नहीं पता था कि स्कूल होता क्या है और वहाँ पे क्या किया जाता है। बट शी वॉज ग्लैड टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ आर ओन एज प्रेजेंट देयर। बट वो अपनी ही उम्र की लड़कियों को आस पास देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। शी होप दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड। और उसने ये आशा भी की कि उन हो सकता है इनमें से कोई एक लड़की उसकी दोस्त बन जाए। द लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लास वॉज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स बट भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग। जो लेडी टीचर थी वो बाकी बच्चों से कुछ कह रही थी बट भोली है वो कुछ भी नहीं समझ पा रही थी कि वो लेडी टीचर है वो क्या बोल रही है। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल, उसने जो स्कूल के वॉल पे पिक्चर लगी हुई थी वहाँ पे देखना उसने स्टार्ट किया। द कलर्स फैसिनेटेड हर, जो कलर्स उसकी पिक्चर्स में थे वो उसको आकर्षित कर रहे थे। द हॉर्स वॉज ब्राउन, उसमें एक हॉर्स की पिक्चर थी जो ब्राउन कलर का था जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज। वो हॉर्स है वो बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा उस दिन तहसीलदार उनके गांव में विजिट करने आए थे, वो वैसे ही हॉर्स पर बैठ के आए थे। द गोट वॉज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर, वहाँ पे एक गोट की पिक्चर भी थी वो वैसी ही ब्लैक गोट थी जैसे उनके पड़ोस में एक गोट है। द पैरट वॉज ग्रीन, जो पैरट था वो ग्रीन था लाइक द पैरट शी हैड सीन इन द मैंगो और कार्ट। वहाँ पे मैंगो के जो बगीचा है उसमें क्या है कि कुछ उसने पैरट देखे थे भोली ने, वैसा ही पैरट वहाँ पे था। एंड द काऊ वो जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, और वहाँ पे काऊ थी वो बिल्कुल उनके गाय जो लक्ष्मी थी वैसी ही दिखाई दे रही थी। एंड सडनली भोली नोटिस दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाई हर साइड स्माइलिंग एट हर, और अचानक से भोली देखती है कि जो टीचर उनको जो पढ़ा रही थी वो उसके बगल में खड़ी है और उसकी तरफ मुस्कुरा रही है। व्हाट इज योर नेम लिटिल वन, छोटी लड़की आपका क्या नाम है। भ भो भो, यानी अब जो भोली है वो अपने नाम को प्रोनंशिएट नहीं कर पा रही है एट वन गो। शी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट, इसके आगे वो बिल्कुल भी नहीं बोल पाई। देन शी बिगेन टू क्राई एंड टीयर्स फ्लोट फ्रॉम हर आईज इन हेल्पलेस फ्लट। अब क्या है कि आंसू है उसकी आंख से बहने लगते हैं और बहुत ज़्यादा वो रोने लगती है। शी केप्ट हर हेड डाउन, उसने अपना सर नीचे किया हुआ है। एज शी सेट इन अ कॉर्नर, जैसे कि वो एक कॉर्नर में बैठी हुई थी। नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स हु शी न्यू वर स्टिल लाफिंग एट हर, उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो साथ वाली लड़कियों की तरफ आंख उठाकर देख सके क्योंकि वो जानती थी कि वो लड़कियां हैं वो उस पे हंस रही है। When the school bell rang, जैसे ही स्कूल की जो घंटी बजी, all the girls scurried out of the classroom, सारी की सारी लड़कियां हैं
वो एक साथ धक्का मुक्की करते हुए बाहर निकलती हैं। बट भोली डेयर नॉट लीव हर कॉर्नर। बट भोली में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसका कॉर्नर, जहाँ पे वो कॉर्नर में बैठी हुई थी, उस कॉर्नर से उठकर वहाँ पे आस की। हर हेड स्टिल लोअर्ड, उसका जो सर था अभी भी नीचे था। शी केप्ट ऑन सोबिंग, वो अभी भी सुबकियाँ लेके रो रही थी। भोली, द टीचर वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग। अब क्या है कि जो टीचर थी उसने वापस से उसका नाम पुकारा और उसकी जो आवाज़ थी वो बहुत ही सॉफ्ट थी और सूदिंग यानी एक रिलैक्स करने वाली आवाज़ थी। इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कोल्ड लाइक दैट। इस तरीके से भोली को आज तक किसी ने इतने प्यार से नहीं बुलाया था। इट टस्ट हर हार्ट, ये जो टोन थी उस टीचर की वो उसके दिल को छू जाती है। गेट अप, उठो, सेड द टीचर, टीचर ने कहा। इट वॉज नॉट ए कमांड, ये एक कमांड नहीं थी, बट जस्ट ए फ्रेंडली सजेशन, एक बिल्कुल फ्रेंडली सजेशन था, उसको ऐसा बोला गया था। भोली गोट अप, भोली उठती है। नाउ टेल मी योर नेम, अब मुझे आप अपना नाम बताइए। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, वो सारी की सारी पसीने के अंदर भीग जाती है। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिस्ग्रेस हर, अब वो सोच रही है कि उसकी जो हकलाने वाली ये जुबान है क्या वापस से उसको लज्जित करेगी। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वूमन, इस औरत के लिए, इस दयालु औरत के लिए, हाउएवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, अब भोली है वो एक एफर्ट करना चाह रही है इस औरत के लिए, इस टीचर के लिए। शी हैड सच अ सूदिंग वॉइस, उसकी जो वॉइस थी वो बहुत ही सूदिंग थी। शी वुड नॉट लाफ एट हर, और भोली को ये पता था कि ये टीचर है वो उसके ऊपर नहीं हंसेगी। भ भ भो भो, शी बिगेन टू स्टमर, अब क्या है कि भोली अपना नाम लेना चाह रही है बट स्टैमर कर रही है, अपना नाम नहीं ले पा रही है। वेल डन, शाबाश, वेल डन, शाबाश, द टीचर एनकरेज्ड हर, टीचर ने उसका हौसला बढ़ाया। कम ऑन नाउ द फुल नेम, अब मुझे अपना पूरा नाम बताइए। भो भ भो भोली, एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इफ इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट, आखिरकार बच्ची ने अपना पूरा नाम काफ़ी स्टैमर करने के बाद बोल दिया और भोली को ऐसा लग रहा था कि ये उसकी लाइफ का बहुत बड़ा अचीवमेंट हो। वेल डन, शाबाश, द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली एंड सेड, टीचर ने उसको बहुत ही प्यार से थपथपाया। पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स, अपने दिल से इस डर को निकाल दो, कुछ ही दिनों में तुम भी बाकी बच्चों की तरह बोलने लग जाओगी। भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क, रियली, भोली ने ऊपर देखा और ऐसा लगा जैसे वास्तव में ऐसा उसके साथ में हो सकता है क्या, ऐसा वो पूछना चाह रही थी। यस यस, इट विल बी वेरी इजी, ये बहुत आसान है। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, तुम रोजाना स्कूल आओ। विल यू कम, क्या तुम आओगी। भोली नोडेड, भोली ने सर हिलाया यानी सर हिला के बोला कि हाँ मैं आऊँगी। नो, से इट लाउड, नहीं सर नहीं हिलाना है, इसको जोर से बोलो। यस, एंड भोली हरसेल्फ वॉज एस्टोनिश्ड दैट शी हैड बीन एबल टू से इट। भोली, एस्टोनिश्ड का मतलब होता है भौचक्का रहना, रह जाना या सरप्राइज्ड हो जाना। भोली खुद सरप्राइज हो गई कि वो खुद बोल रही है, कुछ कह पा रही है जब वो बोलना चाह रही है। डिडंट आई टेल यू, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था। नाउ टेक दिस बुक, अब तुम ये बुक ले लो। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स एंड द पिक्चर्स वर इन कलर्स, उस बुक में बहुत सारी पिक्चर्स थी और सब सारी की सारी जो पिक्चर्स थी वो रंगीन थी। उसमें डॉग था, कैट था, गोट था, हॉर्स थी, पैरट था, टाइगर एंड अ काऊ जस्ट लाइक लक्ष्मी, और एक गाय भी थी उनकी लक्ष्मी की तरह। एंड विद एवरी पिक्चर वॉज अ वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर्स, और हर पिक्चर के नीचे बड़े बड़े अक्षरों में उनका नाम लिखा हुआ था। इन वन मंथ यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, एक महीने के अंदर तुम इस बुक को पढ़ने लग जाओगी। देन आई विल गिव यू अ बिगर वन, और फिर उसके बाद में तुम्हें बड़ी बुक दूंगी। Then a still bigger one, और उसके बाद एक और बड़ी बुक दूंगी। In time, you will be more learned than everyone else in the village, और कुछ ही दिनों में तुम इतना सीख जाओगी कि जितना तुम्हारे से ज़्यादा, मतलब और लोगों ने जैसा गांव में सीख रखा है उनसे ज़्यादा सीख जाओगी।
then no one will ever be able to laugh at you, और उसके बाद तुम पर कोई भी हंस नहीं पाएगा. People will listen to you with respect and you will be able to speak without the slightest stammer. लोग तुम्हें सम्मान के साथ में सुनेंगे और तुम बगैर स्टैमरिंग करे, बगैर हकलाए, यानी थोड़ा सा भी नहीं हकलाओगी, तुम बोल पाओगी. अंडरस्टैंड, समझे? नाउ गो होम, अब घर चले जाओ. एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह जल्दी आ जाना. भोली फेल्ट एज इफ सडनली ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल वर रिंगिंग एंड द टीयर ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस हैड ब्लॉसम्ड इनटू अ बिग रेड फ्लावर्स. भोली को ऐसा लगा कि जो गांव के टेम्पल थे वहां की जो घंटियां थी वो जैसे बजने लगी हो, और उसके जो घर के सामने, स्कूल के सामने जो ट्रीज थे वो ब्लॉसम्स, यानी बहुत बड़े बड़े उनसे फूल निकलने लगे हों. हर हार्ट वॉज थ्रोबिंग विद अ न्यू होप एंड अ न्यू लाइफ. उसका जो दिल था वो धड़क रहा था क्योंकि एक नई आशा और एक नई जिंदगी उसको मिलने वाली थी. दस द ईयर पास्ट, ऐसा करते करते एक साल गुजर गया. द विलेज बिकेम अ स्मॉल टाउन, उनका जो गांव था वो एक टाउन में कन्वर्ट हो गया. द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम अ हाई स्कूल, जो एक छोटा जब प्राइमरी स्कूल था वो हाई स्कूल में कन्वर्ट हो गया. दे वर नाउ अ सिनेमा अंडर अ टिन शेड, अब एक टिन शेड के अंदर उनके गांव में एक सिनेमा बन गया था. एंड अ कॉटन गिनिंग मिल, और एक कॉटन, जो कॉटन के मतलब बनाने वाली जो मिल है वो वहाँ पे बन गई थी. द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट द रेलवे स्टेशन, मेल ट्रेन थी वो उनके गांव में एक रेलवे स्टेशन बन गया था, वहाँ पे रुकने लगी थी. वन नाइट आफ्टर डिनर, डिनर करने के बाद, एक रात की बात है, रामलाल सेड टू हिज वाइफ, रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, देन शैल आई एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल, क्या हमें बिशंबर का प्रपोजल है वो स्वीकार कर लेना चाहिए. यस सर्टेनली, हाँ निश्चित रूप से, हिज वाइफ सेड, उसकी वाइफ ने कहा. भोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइट ग्रूम, भोली बहुत भाग्यशाली होगी अगर उसको इतना वेल टू डू, यानी जिसके पास अच्छा खासा पैसा हो, ऐसा दूल्हा अगर उसको मिल जाए. अ बिग शॉप, जिनकी दुकान है बहुत बड़ी सी, अ हाउस ऑफ हिज ओन, उनका खुद का घर है. एंड आई हियर सेवरल थाउजेंड्स इन द बैंक, और मैंने सुना है उनके अकाउंट में बहुत सारा पैसा है. मोर ओवर, इसके अलावा, ही इज नॉट आस्किंग फॉर एनी डोरी, वो दहेज भी नहीं मांग रहा है. दैट इज राइट, ये तो बिल्कुल ठीक है. बट ही इज नॉट सो यंग, वो इतना यंग नहीं है, इतना जवान नहीं है. यू नो, तुम जानती हो, ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम, अब रामलाल बोलता है कि जितनी मेरी उम्र है उतनी ही उसकी उम्र है, यानी अपने बाप की उम्र के साथ के लड़की के साथ में भोली की जो शादी करने का सोच रहे हैं. एंड ही ऑल्सो लिम्प्स, और वो लंगड़ा कर भी चलता है. मोर ओवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप, उसकी जो पहली पत्नी है उनके जो बच्चे हैं वो भी काफी बड़े हो गए हैं. सो व्हाट डज इट मैटर, इससे क्या फर्क पड़ता है. हिज वाइफ रिप्लाइड, उसकी वाइफ ने आंसर दिया, 45 और 50, 45 का हो या 50 का, इट इज नो ग्रेट एज फॉर अ मैन, ये कोई आदमी के लिए बड़ी उम्र नहीं है. We are lucky that he is from another village and does not know about the pock marks, about her pock marks and her lack of sense. हमें तो बहुत लकी हैं कि वो दूसरे विलेज से बिलोंग करता है और वो भोली के पॉक मार्क्स के बारे में भी नहीं जानता है, और उसको ये भी नहीं पता कि भोली के अंदर सेंस है वो बिल्कुल भी नहीं है. यानी वो ना खुद का सोच पाती है, ना खुद के बारे में कुछ और कर पाती है. If we don't accept this proposal, अगर अपने इस proposal को accept नहीं करते हैं, she remain, may remain unmarried all her life, वो अपनी पूरी जिंदगी भर unmarried रह सकती है. Yes, but I wonder, पर मैं सोच रहा हूँ, what भोली will say, भोली क्या कहेगी, what will that witless one say, उस मूर्ख को क्या बोलना है. She is like a dumb cow, वो एक dumb cow की तरह, dumb cow क्या होता है कि जो जो बच्चे बिल्कुल भी सेंसिबल नहीं होते हैं, यानी उनमें सेंस नहीं होता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, खुद के बारे में सोच नहीं पाते हैं, दूसरों पे डिपेंड करते हैं हर चीज़ के लिए, उनको डम काउ की तरह ट्रीट किया जाता है. मे बी यू आर राइट, हो सकता है तुम बिल्कुल ठीक हो, मटर्ड रामलाल, रामलाल बड़बड़ाता है.
इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड, आंगन के दूसरे कोने में भोली ले अवेक ऑन हर काट। भोली अपनी जो चारपाई थी उस पे अभी भी जाग रही थी और लेटी भी थी। लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन, उसके जो माँ बाप फुसफुसा के जो कन्वर्सेशन कर रहे थे उसको भोली सुन रही थी। विशंबरनाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रोसर। विशंबरनाथ है वो एक ग्रोसरी की शॉप करता था और काफ़ी उसके पास में पैसा था। ही केम विद अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स, वो बहुत अपने फ्रेंड्स की बड़ी सी पार्टी लेके आया। एंड रिलेशंस विद हिम फॉर द वेडिंग, और बहुत सारे रिश्तेदार भी वेडिंग के लिए लेके आया। ए ब्रेस बैंड प्लेइंग अ पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म हेडेड फॉर द प्रोसेशन। एक उनका जो साथ में ब्रेस बैंड क्या होता है, जो गाने बजाने वाले होते हैं, वो क्या है कि हिंदी मूवी की कोई पॉपुलर ट्यून थी उस पे एक गाना बजा रहे थे और बारात उनकी आ रही थी। प्रोसेशन का मतलब जो बारात निकल रही थी उसके साथ साथ में। विद द ब्राइड ग्रूम राइडिंग अ डेकोरेटेड हॉर्स, और जो दुल्हा था वो एक बिल्कुल डेकोरेटेड हॉर्स, डेकोरेटेड हॉर्स का मतलब हॉर्स जो बिल्कुल सजाया हुआ था उस पे बैठा हुआ था। रामलाल वॉज ओवरजॉयड टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर, रामलाल ऐसी शान और शौकत को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। ही हैड नेवर ड्रीम्ड दैट हिज फोर डॉटर वुड हैव सच अ ग्रैंड वेडिंग, उसने अपनी जिंदगी में अपनी लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि उसकी जो चौथी बेटी है उसकी इतनी आलिशान शादी होगी। बोलीज एल्डर सिस्टर हु हैड कम फॉर द ओकेजन वर एनवियस ऑफ अ लक, भोली की जो बाकी सिस्टर थी जो इस ओकेजन पे अपनी जो भोली की वेडिंग के लिए आई थी वो भी बहुत ज़्यादा जेलस, एनवियस का मतलब होता है जेलस हो जाना, यानी ईर्ष्या हो जाना। उनको भी ईर्ष्या होने लगी थी कि उनकी जो सिस्टर है जो इतनी अच्छी दिखाई नहीं देती है उसकी इतनी अच्छी शादी कैसे हो सकती है। When the auspicious moment came the priest said, जैसे ही शुभ क्षण आता है पुजारी हैं वो बोलते हैं ब्रिंग द ब्राइट, दुल्हन को ले आइए। भोली क्लैड इन अ रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस, भोली जो दुल्हन की जो लाल रंग की दुल्हन की ड्रेस थी उसके अंदर लिपटी हुई थी। वॉज लेट टू द ब्राइड्स प्लेस नियर द सेक्रेट फायर, और उस पवित्र नगरी अग्नि के पास में उसको लाया जाता है जो जहाँ पे क्या है कि ब्राइडल यानी दुल्हन को बिठाया जाता है। गार्लैंड द ब्राइट वन ऑफ हिज फ्रेंड प्रॉम्प्टेड विशंबरनाथ, विशंबरनाथ के एक फ्रेंड ने विशंबरनाथ को बोला कि माला पहना दो दुल्हन को। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरी गोल्ड्स, उसने क्या है कि येलो मैरी गोल्ड के फूलों से बनी हुई माला है उसको उठाया। अ वुमन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, एक औरत ने दुल्हन के फेस से उसका घूंघट उठाया। विशंबर टुक अ क्विक ग्लांस, विशंबर ने जल्दी से दुल्हन का चेहरा देखा। द गार्लैंड रिमेंड पोइस्ड इन हिज हैंड्स, अब क्या है कि गार्लैंड उसके हाथों में बिल्कुल रेडी थी। द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द वेल ओवर हर फेस, और दुल्हन ने धीरे धीरे अपने फेस से घूंघट को हटाया। हैव यू सीन हर, क्या तुमने उसको देखा है, सेड विशंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम, विशंबर ने अपने फ्रेंड को जो उसके बिल्कुल आगे था उससे पूछा। शी हैज पॉक मार्क्स ऑन हर फेस, उसके तो फेस पे पॉक मार्क्स हैं। सो वॉट, तो क्या, यू आर नॉट यंग इधर, तुम भी तो जवान नहीं हो। मे बी, शायद, बट इफ आई एम टू मैरी हर, अगर मुझे उससे शादी करनी है, हर फादर मस्ट गिव मी 5,000 रुपीज, उसके पापा को मुझे 5,000 रुपये देने पड़ेंगे। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन, रामलाल उसके पास में जाते हैं और अपनी जो पगड़ी है वो उतार कर रख देते हैं। हिज ओनर, जो कि उनका सम्मान था, एट विशंबर्स फीट, विशंबर के पैरों में अपनी पगड़ी उतार कर रख देते हैं। डू नॉट ह्यूमिलिएट मी सो मच, इतना मुझे बेइज्जत मत करो। टेक 2,000 रुपीज, तुम 2,000 ले लो। नो, 5,000, नहीं 5,000, और वी गो बैक, नहीं तो हम वापस जा रहे हैं। कीप योर डॉटर, तुम्हारी बेटी को रख लो। बी अ लिटल कंसिडरेट, कुछ तो ख्याल करो प्लीज। इफ यू गो बैक, अगर तुम वापस जाते हो, आई कैन नेवर शो माई फेस,
इन द विलेज, में अपना चेहरा इस गांव में कभी नहीं दिखा पाऊंगा। देन आउट विद 5,000, तब 5,000 लेके आइए। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, जो आंसू हैं उसके फेस से आंखों से नीचे गिरने लगते हैं। रामलाल वेंट इन, रामलाल अंदर जाते हैं। ओपन द सेफ एंड काउंटेड आउट द नोट्स, और तिजोरी खोलकर नोटों को गिनने लगते हैं। ही प्लेस द बंडल एट द ब्राइड ग्रूम्स फीट, वो दूल्हे के पैरों में वो बंडल है, जो नोटों का बंडल है वो रख देते हैं। ऑन बिशंबर्स ग्रीडी फेस अपीयर्ड अ ट्रायम्फेंट स्माइल, और उसके जो बिशंबर का जो लालची चेहरा था उसको ऐसा लगा कि उसने बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। ही हैड गैम्बल्ड एंड वॉन, उसने ऐसा लगा कि उसने जैसे गैम्बल यानी जुआ खेला था और वो जीत गया। गिव मी द गार्लैंड, अब मुझे माला दीजिए, ही अनाउंस्ड, उसने ऐसा बोला। वंस अगेन द वेल वॉज स्लिप्ड बैक, अगेन उसका घूंघट उठाया गया फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, दुल्हन के चेहरे से। बट दिस टाइम हर आईज वर नॉट डाउनकास्ट, इस बार दुल्हन की जो आंखें हैं वो नीचे नहीं देख रही थी। शी वॉज लुकिंग अप, वो ऊपर देख रही थी। लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, अपने होने वाले पति की आंखों में। एंड इन हर आईज देर वॉज नीदर एंगर नोर हेट, ना तो उसकी आंखों में गुस्सा था और ना ही हेट थी, ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट का मतलब होता है जैसे घृणा हो जाती है, घिन हो जाती है, उसको बोला जाता है। वो उसकी आंखों में दिखाई दे रही थी। बिशंबर रेज्ड द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक, अब बिशंबर ने माला को ऊपर उठाया दुल्हन की गर्दन पे रखने के लिए। बट बिफोर ही कुड डू सो, इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता, बोलीज हैंड स्ट्रक आउट लाइक अ स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग एंड द गार्लैंड वॉज फ्लंज इनटू द फायर, भोली का जो हाथ है वो बिजली की तेजी से बिशंबर के हाथ से टकराता है और माला सीधी आग में जाके गिरती है। शी गॉट अप, वो उठती है, एंड थ्रू अवे द वेल, और घूंघट को उठा के फेंक देती है। पिताजी, सेड भोली इन अ क्लियर लाउड वॉइस, भोली ने एक ही बार के अंदर तेज आवाज में बोला पिताजी। एंड हर फादर मदर सिस्टर्स ब्रदर्स रिलेशंस एंड नेबर्स वर स्टार्टल्ड टू हियर हर स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टैमर, सारे के सारे उसके पापा माँ सिस्टर्स ब्रदर और उनके जो रिश्तेदार और उनके जो पड़ोसी हैं, स्टार्टल्ड का मतलब चौंक जाना, वो सारे के सारे चौंक गए कि बिल्कुल जो भोली है वो बिल्कुल भी इस वर्ड को बोलते टाइम हकलाई नहीं थी और एक ही बार में उसने ये वर्ड बोल दिया था। पिताजी टेक बैक योर मनी, ये अपना पैसा वापस ले लीजिए, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, इस आदमी से मैं शादी नहीं करूंगी। रामलाल वॉज थंडरस्ट्रक, रामलाल है वो बहुत ही मतलब एस्टोनिस्ट हो गया था, बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गया था ऐसा देखकर। द गेस्ट बिगेन टू विस्पर, जो जितने भी मेहमान आए थे वो सारे के सारे फुसफुसा के कुछ बात करने लगते हैं। सो शेमलेस, कितनी बेशरम है, सो अगली, कितनी भद्दी दिखती है, एंड सो शेमलेस, और इतनी बेशरम भी है भोली, आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो, शाउटेड रामलाल, रामलाल चिल्लाता है। यू वॉन्ट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली, तुम अपनी परिवार को बेइज्जत करना चाह रही हो, हैव सम रिगार्ड फॉर आर इज्जत, हमारी इज्जत का कुछ तो ख्याल करो। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, सेड भोली, आपकी इज्जत के लिए ही, आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, इस लंगड़े बूढ़े आदमी से मैं शादी करने वाली थी। बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन ग्रीडी एंड कंटेम्प्टिबल कावर्ड एज माई हस्बैंड, बट मैं ऐसे आदमी जो बहुत ही मतलबी है, लालची है और घृणित है और डरपोक भी है, ऐसे आदमी को मेरे पति के रूप में नहीं देख सकती। आई विल नॉट, मैं शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। वॉट ए शेमलेस गर्ल, कितनी बेशरम लड़की है। वी ऑल थॉट शी वॉज अ हार्मलेस डम काउ, हमने सब ने सोचा था कि वो ऐसी है जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी और जो कहेंगे वो मान लेगी। भोली टर्न्ड वायलेंटली ऑन द ओल्ड वुमन, भोली उस बूढ़ी औरत की तरफ
बहुत ही आक्रोश में मुड़कर देखती है। यस आंटी यू आर राइट, हाँ आंटी तुम बिल्कुल सही हो। यू ऑल थॉट आई वॉज अ डम ड्रिवन काउ, तुमने यही सोचा था कि मैं एक डम ड्रिवन काउ की तरह हूँ। दैट इज़ वाई यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रीचर, तुम मुझे तभी तो तुम लोग मुझे ऐसे निर्दयी प्राणी को सौंपना चाहते हो। बट नाउ द डम काउ द स्टैमरिंग फूल इज स्पीकिंग, अब ये जो डम काउ है जो हकलाने वाली मूर्ख है अब पूरा बोल पा रही है। डू यू वॉन्ट टू हियर मोर, क्या तुम और सुनना चाहती हो। विशंबरनाथ द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी, विशंबरनाथ जो ग्रोसर था उसने वापस अपने पार्टी के साथ में जाने लगा। द कन्फ्यूज्ड बैंड्समैन थॉट दिस वॉज द एंड ऑफ द सेरेमनी एंड स्ट्रक अप अ क्लोजिंग सॉन्ग, जो उनके साथ बैंड बाजे वाले आए थे उन्होंने सोचा कि सेरेमनी है वो ख़त्म हो गई, तो सेरेमनी ख़त्म होने पे जो गाना बजाया जाता है वो गाना बजाने लग गए। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, रामलाल बिल्कुल अपनी जगह पे खड़ा रहा एक रूट की तरह। हिज हेड बोट लो विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड शेम, उसने अपना सर झुका लिया दुख और शर्म के मारे। द फ्लेम्स ऑफ द सेक्रेट फायर स्लोली डाई डाउन, धीरे धीरे उस पवित्र अग्नि की अग्नि थी वो बुझ गई। एवरी वन वॉज गॉन, हर कोई चला गया। रामलाल टर्न टू भोली एंड सेट, रामलाल भोली के पास आया और बोला बट वॉट अबाउट यू, तुम्हारा क्या होगा। नो वन विल एवर मैरी यू नाउ, अब तुमसे कोई भी शादी नहीं करेगा। वॉट शैल वी डू विद यू, हम तुम्हारे साथ क्या करें। एंड सुलेखा सेट इन इन अ वॉइस दैट वॉज काम एंड स्टडी, सुलेखा ने बहुत ही शांत वॉइस के अंदर उसको बोला अपने पापा को, डोंट यू वरी पिताजी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो पिताजी। इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर, आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच, तुम्हारे बुढ़ापे में मैं तुम्हारी और माँ की सेवा करूँगी और मैं सेम उसी स्कूल में पढ़ाऊँगी जहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा है। इज़न्ट दैट राइट मैम, उनकी जो मैम वहाँ पे आई हुई थी उनसे वो पूछती है क्या ये सही नहीं है मैम। द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन अ कॉर्नर वॉचिंग द ड्रामा, जो टीचर उनके शादी में आए थे वो एक कॉर्नर में खड़े हुए थे, वो सारा का सारा ड्रामा देख रहे थे। यस बोली, हाँ बोली, ऑफ कोर्स निसंदेह, शी रिप्लाइड, उसने रिप्लाई किया। एंड इन हर स्माइलिंग आइज वॉज द लाइट ऑफ अ डीप सेटिस्फैक्शन, और उसकी जो स्माइलिंग आइज थी यानी उनकी जो आंखें, उसको बहुत ज़्यादा एक सेटिस्फैक्शन, डीप सेटिस्फैक्शन दिखाई दे रहा था, और वो सेटिस्फैक्शन बिल्कुल वैसा ही था दैट एन आर्टिस्ट फील्स व्हेन कंटेम्पलेटिंग द कम्प्लीशन ऑफ हर मास्टरपीस। एक आर्टिस्ट जो हमेशा सोचता है कि उसको कंटेम्पलेटिंग का मतलब जो सोचना, किसी के बारे में विचार करना कि एक दिन वो अपनी ज़िंदगी में एक मास्टरपीस बनाएगा जो उसका सबसे बढ़िया पेंटिंग होगी, तो वो मैम भी यही सोच रही थी कि जो वो भोली को बनाना चाह रही थी, भोली से जो एक्सपेक्टेशंस वो कर रही थी, वो उसका मास्टरपीस वो भोली है वो आज तैयार हो गया था। तो ये पूरा चैप्टर था जो अपनों ने स्टडी किया। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, एक मोटिवेशनल स्टोरी भी बोल सकते हैं, जो अपने क्या है कि आगे जो जनरेशन है, जो ऐसे लोग हैं उनको पास ऑन कर सकते हैं। आई होप कि हर चीज़ आपको समझ में आई होगी, लाइन वाइज लाइन मैंने आपके साथ में डिस्कस किया है, सारे डिफ़िकल्ट मीनिंग भी मैंने आपके साथ में डिस्कस किए हैं। मेरी इतनी सी गुजारिश है, प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।